वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं गाइज आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दूध वाले सूजी के हलवे की रेसिपी। मतलब अब वैसा नहीं है कि नॉर्मल हलवा बना दिया और पानी की जगह दूध डाल दिया, ये डिफरेंट है। तो मेरी रेसिपी को पूरा देखना, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी और हलवा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी, पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। दूध का हलवा बनाने के लिए ये मैंने आधी कटोरी सूजी ली है, इसको एक मैं बर्तन में डाल रही हूँ। अब इसमें हमने दूध डालना है, मतलब दूध में इस सूजी को भिगोना है। मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, एक कटोरी मैंने दूध ले लिया है। दूध को डाल दूंगी सूजी में, ठीक है, और इसको अब मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही डिप करके छोड़ दूंगी। इसको आधे घंटे के बाद बनाएंगे, इसको आधे घंटे के लिए भिगोना जरूरी है। तो आधे घंटे के बाद आगे का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को मैंने अब गैस पे चढ़ा दिया है, आधा घंटा हो चुका है मेरी सूजी को दूध में भीगे हुए। अब इसमें मैं डालूंगी जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही घी। आधी कटोरी सूजी है तो आधा कटोरी इसमें मैं घी ऐड करने वाली हूँ। अब ये मैंने देसी घी ऐड कर लिया है, ये हलवा तो देसी घी में ही अच्छा लगता है, तो हलवा बनाने के लिए देसी घी ही यूज़ करिएगा। ये आधा कटोरी देसी घी मैंने डाल दिया इसमें, क्योंकि मेरी सूजी आधा कटोरी थी। अब घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये घी गर्म हो गया, अब मैंने इसमें डालना है पानी। ये थोड़ा ध्यान से डालना पड़ेगा क्योंकि घी गर्म है, इसमें मैंने पानी डाला है। ये अच्छा था कि ज़्यादा गर्म नहीं है घी, ठीक है। मैंने इसमें डाला है आधा कटोरी से दो, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आधा कटोरी मान लो, आधा कटोरी सूजी है तो आधा कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और सूजी को मैंने एक कटोरी दूध में भिगोया था, ठीक है। तो आधा कटोरी अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया, जितनी आपकी सूजी है उतना ही पानी डालिए, बस दूध आपने डबल ऐड करना है। अब आधा कटोरी ही मैं चीनी लूंगी, ये पानी और घी में चीनी को डाल देंगे हम। जितनी आपकी सूजी है उतना आपका घी, उतना आपका पानी और उतनी ही चीनी लेनी है आपने। अगर मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, पर हलवा तो मीठा ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब जब चीनी पिघल जाएगी, हमने इसको चाशनी नहीं बनाना, जब चीनी पिघल जाए तो उसके बाद जो हमने सूजी पिघो के रखी है वो इसमें ऐड करेंगे। चीनी को पहले हम पिघलने देंगे। चीनी अब पिघल गई है इसमें, ये जो सूजी को हमने भिगो के रखा था ना दूध में, आधा कटोरी सूजी को एक कटोरी दूध में, अब वो मैं डालने वाली हूँ इसमें चाशनी में, ठीक है। सारी सूजी डाल देंगे, ये मैंने डाल दी है इसमें सारी सूजी। अब मैं थोड़े से बादाम भी ऐसे ही डाल देती हूँ इसमें, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसे पूरा पकाना है, अच्छे से इसका दूध और पानी पूरा सुखाना है और इसको लास्ट तक पकाना है। ये जल्दी बन जाता है हलवा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो इसको हमने चलाते रहना है, गैस का फ्लेम मैंने कम कर रखा है, हमने इसे कम आंच पे ही भूनना है, ठीक है। और इसको काफ़ी अच्छे से भूनेंगे अभी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, ये जल्दी भुन जाता है। और ये मत सोचना कि इसमें सूजी भुनी नहीं होगी, सूजी इसमें काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है, मतलब भुन जाती है, ऐसा नहीं है कि सूजी आपकी कच्ची रहेगी। हाँ, पर इसका कलर सफ़ेद रहता है, आप चाहें तो इसमें येलो कलर ऐड कर सकते हैं, हलवा काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में अगर आप इसमें कलर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही भूनते हैं अभी। तो देखिए गाइज, ये आराम से कढ़ाई में से जो है छूटना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 2 मिनट इसे और भूनते हैं, फिर उसके बाद हमारा हलवा बन के रेडी है। ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और सूजी काफ़ी अच्छे से जो है फूल चुकी होती है। इस हलवे के लिए जो है मैंने नॉर्मल वाली सूजी ली है, ठीक है, कोई बारीक सूजी नहीं डाली, जो नॉर्मल होती है वही सूजी ऐड करी है मैंने इसमें। तो ये हमारा दूध वाला हलवा बनके तैयार है, गैस का फ्लेम कर दूंगी मैं बंद, आपको निकाल के दिखाती हूँ कि मेरा हलवा कैसा बना है।
तो गाइस देखिए, ये मेरा टेस्टी दूध वाला हलवा बनके सूजी का तैयार है, रवा और दूध का हलवा, सूजी और दूध का हलवा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।